नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। सपा के पूर्व दबंग विधायक अनवर हाशमी पर FIR दर्ज हुआ है। आपको बता दें, विधायक अनवर हाशमी पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है, जिसके बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विधायक पर कई आरोप भी लगे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायकों और नेता का बुरा दौर चल रहा है। सपा के सांसद और पूर्वी आजम खान, बाहुबली अतीक अहमद, बाहुबली मुख्तार अंसारी सरकारी जमीन को कब्जा करने को लेकर लोगों का जमीन धमकी देकर अपने नाम लिखवाने के आरोप में योगी सरकार का हंटर चला। इन बाहुबलियों के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। आइए आपको बताते हैं कि जिला बलरामपुर विधानसभा तुलसीपुर में सपा से दो बार विधायक 2007 से 2012 तक, 2012 से 2017 तक जीतने वाले बाहुबली विधायक अनवर हाशमी की दबंग गई। इस तरह से विधानसभा में था कि इनके सामने किसी की बोलने की हैसियत नहीं होती थी। खुल करके तांडव करते थे और इनकी निगाहें सरकारी जमीन पर होता था। सरकारी जमीन अवैध कब्जा कर कूटनीतिक दस्तावेज बनाकर अपने नाम और अपने चाहने वालों के नाम करा लेते थे। कीमती जमीन को कोटियों के भाव में लोगों को धमकी देकर उनकी जमीन को ले लेते थे और अपने नाम अपने चाहने वालों के नाम करा देते थे। दबंग सपा विधायक अनवर हाशमी सत्ता के नशे में खलिहान की सरकारी जमीन को धोखाधड़ी कर कुट रचित दस्तावेज के आधार पर अपने नाम करा लिए। उसी जमीन पर कॉलेज बना दिए दबंग विधायक अनवर हाशमी, जिसकी शिकायत अनिल श्रीवास्तव सपा सरकार में की थी, लेकिन शासन सत्ता होने के कारण सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद योगी सरकार आने के बाद अनिल श्रीवास्तव 2018 में फिर शिकायत की थाना सादुल्ला नगर में तहरीर पूरे साक्ष्य के साथ दिया। SP देवरंजन मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर पूरे कागज को DM कृष्णा कुरुडेश के माध्यम से पूरे कागजात को काफी गंभीरता से जांच कराया गया, सत्यता सही पाया गया और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर देवरंजन वर्मा ने सादुल नगर थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। और आज क्षेत्राधिकारी उतरौला राधा रमन और क्षेत्राधिकारी बलरामपुर मनोज यादव ने भारी पुलिस बल के साथ जाकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को सादुल्ला नगर मुबारक मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आपस के दबाव में जबरदस्ती हमारी गिरफ्तारी की गई है। कुछ इस समय पर फैसला हो जाएगा कि न्यायपालिका इंटर कॉलेज गवर्नमेंट के जीओ से खोला गया, 94-95 में जमीन दी गई और बिल्डिंग बनाने का पैसा दिया गया, गांव सभा का प्रस्ताव दिया और जबरदस्ती इसको खारिज करके जेल भेजा जा रहा है। सत्ता पक्ष के दबाव में मैं उतरौला विधानसभा क्षेत्र से रनर रहा और ईश्वर चाहेगा हमें सफलता मिलेगी, न्याय पे भरोसा है।